देखेंगे ये पाठ गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत मोबिल चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड। सब जानते हैं कि वैद्युत धारा तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। वैद्युत धारा तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, पहला हमारा ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव और तीसरा है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव तीन प्रकार के प्रभाव जो हमारा वैद्युत धारा है तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। इसमें से ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, बताया जा चुका है किस प्रकार वैद्युत ऊर्जा से हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है, किस प्रकार से हमें वैद्युत ऊर्जा से हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अध्याय में वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने वाले नियमों, इस अध्याय में वैद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने वाले नियमों इनके विभिन्न उपयोगों का अध्ययन किया जाना है। पहला चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये देखना। यदि हम जानते किसी दंड चुंबक के समीप, देखने की दंड चुंबक है, किसी दंड चुंबक के समीप एक छोटी सी चुंबकीय सुई, किसी दंड चुंबक के समीप एक छोटी सी चुंबकीय सुई रख दे, लटका दे, तो सदैव वह निश्चित दिशा में ठहरती है, सदैव निश्चित दिशा में आकर स्थिर हो जाती है। यदि सुई के किसी अन्य बिंदु पर रख दे तो वह किसी अन्य निश्चित दिशा में स्थिर हो जाती है। इससे पता चलता है कि दंड चुंबक के समीप चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता, एक आघूर्ण आरोपित होता है जो चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में ठहरने की दिशा मिला देता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं जहां तक चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहां तक चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाए चुंबकीय क्षेत्र उसका कहलाता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी एक छोटी दंड चुंबक सुई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। यदि हम एक पृथ्वी को भी एक चुंबक मान सकते हैं, पृथ्वी को भी एक चुंबक हम मान सकते हैं, यही कारण है कि जब हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाती है। इसी कारण है कि पृथ्वी भी एक हमारा बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, यही कारण है कि जब हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, आकर ठहर जाती है। सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होता है जैसा दिखाया जा रहा है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तर की ओर होती है। इस प्रकार चुंबक कोई दंड चुंबक लीजिए, ऐसे रख दीजिए और चुंबकीय क्षेत्र लोहे के कतरन को इधर उधर रख दीजिए, उसकी इर्द गिर्द देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होगा वहां तक लोहे के कतरन क्या करता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वहां तक अपनी ओर क्या करता है आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाएं इस सिरे से निकलेंगी और इस सिरे पर समाप्त होती रहती है, बार बार प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कम हो जाता है वहां पर एक उदासीन बिंदु मिल जाता है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ऑस्टेट का प्रयोग होता है, ऑस्टेट का प्रयोग है,
जैसे बताया गया ऑस्टेड का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र संकल्पना को सिद्ध कैसे किया जा सकता है, ऑस्टेड के प्रयोग से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार बताया गया चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक में या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऑस्टेड ने एक प्रयोग ये दर्शाया है, ऑस्टेड ने प्रयोग किया और सिद्ध करके बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देख रहे हैं कि एक चालक तार ए बी है और एक बैटरी और एक कुंजी के द्वारा जोड़ा गया और चालक तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई रखी गई, चुंबकीय सुई रखी गई है। देख रहे हैं इसमें उत्तर दक्षिण दिशा में अभी परिपथ में किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही, तो देख रहे हैं कि चुंबकीय सुई हमारे चालक तार के समानांतर, चालक तार क्या है समानांतर दिखाया जा रहा, चालक तार समानांतर। लेकिन जब इसको हम दूसरा फिगर देख रहे हैं दूसरा ए बी चालक तार है इसके नीचे चुंबकीय सुई रखी, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो देख रहे हैं चुंबकीय सुई हमारी क्या हो जाती है विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय सुई हमारी क्या हो जाती है इससे यह विक्षेपित हो जाती है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई हमारी विक्षेपित हो जाती है, अर्थात ये परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए, ध्यान देखिए ये परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय सुई हमारी उसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी विक्षेपित हो जाती है, तार विद्युत धारा बहने से इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र पर हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तार धारा बढ़ाने अथवा सुई के निकट विक्षेप बढ़ जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित उत्पत्ति होती है, विद्युत धारा गतिमान आवेश होते हैं, हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र फिगर से स्पष्ट है। देख रहे हैं कि इसमें हम किसी प्रकार के विद्युत धारा नहीं प्रवाहित किए तो देख रहे हैं कि इसमें चालक तार ए बी के समानांतर चुंबकीय सुई हमारी स्थिर है और जब इसमें किसी प्रकार की धारा नहीं प्रवाहित समानांतर है और जब हम धारा परिपथ में चालक की तार प्रवाहित किए तो चुंबकीय सुई हमारी विक्षेपित हो गई है, सुई मुड़ गई है और जब धारा के मार्ग को पकड़ दिए चुंबकीय सुई हमारी क्या विपरीत दिशा विक्षेपित हो जाती है। इससे होता है कि विद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।